आपके भी अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा काले हैं, डार्क स्पॉट्स हैं और बहुत उपायों के बाद भी आपके अंडर आर्म्स बिल्कुल गोरे नहीं हुए हैं, बिल्कुल असर नहीं हुआ है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ कि आपके अंडर आर्म्स को है ना बिल्कुल एक बार के यूज से गोरा कर देगा। यकीन नहीं होता तो बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने स्किप किया तो आप पूरी रेमेडी मिस कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ कि आपके अंडर आर्म्स को ना एक बार से ही बहुत साफ कर देगा। यकीन नहीं होता तो जरूर देखें इस रेमेडी को। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, बताते हैं आपको ये उपाय कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको अंडर आर्म्स का कालापन दूर करने का एक बेहतरीन उपाय बताऊंगी। अगर आपके अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा काले हैं, डार्क स्पॉट्स है, उसमें स्मेल आती है और इसके वजह से आप स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन पाते हैं, तो आज आपके लिए एक ऐसा सटीक और बिल्कुल हटके उपाय लेकर के आई हूँ कि आपको एक बार के यूज से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सिर्फ एक बार करके देखें, आपको 100% तो नहीं बट 20-30% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने भी किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। मेरे अंडर आर्म्स काफी हद तक साफ हो गए हैं और आपके भी हो जाएंगे अगर आप अंडर आर्म्स के कालेपन से परेशान हैं। सो फ्रेंड, चलते हैं और बताते हैं आपको ये उपाय कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चीनी ली है। फ्रेंड्स, शुगर में एक्सफोलिएट एजेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के डेड सेल्स को ना अंदर से साफ करते हैं और अंदर से गोरा बनाते हैं ताकि आपकी जो ऊपर की स्किन है ना साफ दिखे और गोरी दिखे। तो हम शुगर को जरूर ऐड करेंगे अपने अंडर आर्म्स को साफ करने के लिए। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है शुगर। फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट होगा नींबू। फ्रेंड्स, नींबू में विटामिन सी होते हैं जो आपकी स्किन के स्पॉट्स के साथ आपकी स्किन को ना लाइटन करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसमें एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं और स्किन को क्लियर और साफ बनाती हैं। तो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट होगा लेमन। इसके साथ ही हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो बेकिंग सोडा है। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा बहुत अच्छा स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को साफ करता है और साथ ही जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको खोलता है और अंदर से क्लीन करता है और अंदर से स्किन को लाइट करता है। तो बेकिंग सोडा हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा और हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है पेस्ट। आप कोई भी तरीके का पेस्ट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ये वाला पेस्ट लिया है। ये मैं आपको ब्रांड तो नहीं बताऊंगी पर ये आयुर्वेदिक पेस्ट है। आप कोई भी तरीके का ऐसा कोई भी पेस्ट ले सकते हो। आपके पास कोई भी ब्रांड हो आप वो ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये रखती हूँ। अब हम बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले बेकिंग सोडा ऐड कर देती हूँ। इसमें मैंने एक पिंच बेकिंग सोडा लिया है। फ्रेंड्स, आपको एक पिंच से ज्यादा नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। इसके बाद में एक चम्मच मैंने यहाँ पे शुगर ऐड करूंगी। सिर्फ एक चम्मच ऐड करना है। इसके साथ मैं करूंगी यहाँ पे ये पेस्ट मिक्स करूंगी। आप जितना पेस्ट यूज करते हो आपको उतना ही लेना है। तो यहाँ पे मैं एक जितना हम सुबह मॉर्निंग में करते हैं उतना मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें आधा नींबू। पूरा आपको आधा नींबू ऐड करना है। तो मैं पूरा आधा नींबू ऐड कर दूंगी इसमें। फ्रेंड्स, ये उपाय बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है और आपको इससे जरूर फायदा होने वाला है। फ्रेंड, जो टूथपेस्ट है ना वो ब्लीचिंग का काम करता है स्किन पे। आपकी स्किन को ब्लीच करेगा और आपके जो रूहे हैं, आपके स्किन के जो डार्क पैचेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको साफ करने का काम करता है टूथपेस्ट। तो आप कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट ले सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा बन गया है और इसमें झाग बन रहा है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा मिलाया है। अब आप इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एक अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए। क्योंकि हमने इसमें टूथपेस्ट भी मिलाया तो थोड़ा सा मिलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लें। देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पेस्ट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पेस्ट को आपको लेना है और अपने अंडर आर्म्स पे ना ऐसे लेना है और अंडर आर्म्स पे ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे मसल मसल के लगा देना है। आपको 5 मिनट के लिए आप ऐसे करके लगा दें। 5 मिनट के बाद आप जब इसको लगा रहने देंगे इसको ऐसे करके, क्योंकि इसमें हमने शुगर मिलाई है तो एक्सफोलिएट का भी काम करेगा। 5 मिनट लगा रहने के बाद आपको ऐसे रगड़ रगड़ के इसको निकालना है।
इसको साफ करना है। कम से कम आपको 5 मिनट, और 5 मिनट लगा रहने के बाद 5 मिनट ऐसे ही मसाज करनी है, और इसको 5 मिनट मसाज करने के बाद धोना है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपके अंडर आर्म्स में स्मेल भी आती है ना, वो भी इससे चली जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे टूथपेस्ट मिलाया है, लेमन मिलाया है और यहाँ पे शुगर मिलाई है, तो ये बदबू को हटाने का काम भी करेगा। तो बहुत अच्छा ही एक्सफोलिएटर है आपके स्किन के लिए, आपके अंडर आर्म्स के लिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैसे मसाज कर रही हूँ, तो आपको अपने अंडर आर्म्स पे ऐसे ही मसाज करनी है, और बार बार लेना है और बार बार ऐसे ही करके मसाज करनी है कम से कम 5 मिनट के लिए। आपको वीक में सिर्फ 3 दिन करना है, आप 3 दिन करके देखें, आपको कभी भी कर सकते हैं आप। आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन टाइम निकालना है। जब आप देखेंगे कि आपका ये लाइटन हो रहा है आपके अंडर आर्म्स, फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका धीरे धीरे लाइटन हो रहे हैं अंडर आर्म्स, तो आप इसको कंटिन्यू रखें, बट आप 3 बार से ज्यादा मत करें हफ्ते में, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा मिलाया है, और बेकिंग सोडा आप अगर आप स्किन में ज्यादा मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्शन कर जाता है, तो इसलिए ज्यादा अंडर आर्म्स पे आप यूज ना करें। फ्रेंड्स इसके बाद आप इसको गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से धो लें, और अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से आप इसको पोंछ लें। फ्रेंड्स आप एक बार के यूज से ही खुद फील करेंगे कि जो आपके डार्क पैचेस हैं, अंडर आर्म्स हैं, वो बहुत लाइटन हो गए हैं, बहुत साफ हो गए हैं, और आपको एक ना सॉफ्ट और अच्छा आपको अंडर आर्म्स दिखेंगे आपके, कि आपके जो अंडर आर्म्स थे वो भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी है, और आपको एक बार के यूज से ही आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।